के मिलेगी तो भी ठीक है, काम तो अच्छा ही हो रहा है। भटवलिया नहीं ना जाएगा? नहीं नहीं, भटवलिया घंटों डेढ़ घंटों आपको लग सकता है ओवर ब्रिज पार करने में, जाम एक बार लग गया। पार्किंग बन रही थी, कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आकाश त्रिपाठी और एक बार फिर देवरिया न्यूज साइट में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जनपद देवरिया के कोऑपरेटिव चौराहा स्थित पुराने बस स्टेशन में मौजूद हूं, क्योंकि यहां पे भूमि पूजन हुआ है और यहां पर मल्टी लेवल पार्किंग का व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है भूमि पूजन। और हम यहाँ पर पब्लिक से जानेंगे कि जो मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था देवरिया में की जा रही है ये कहां तक सही है, और इससे जाम जो हमेशा जनपद देवरिया में जाम का समस्या बना रहता था उससे निजात मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बारे में हम जनता से एक बार सवाल करेंगे। आपके सामने पुराने बस स्टेशन में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम हो रहा है सरकार का, जो बढ़िया काम हो रहा है? काम तो अच्छा ही हो रहा है, कल में तो रोड जाम नहीं होगा और पार्किंग रहा तो गाड़ी घोड़ा खराब ही हो जाएगा। जैसे खाली जगह तो सरकार भी है, जो रोड पे जो गाड़ी लग रही है वो पार्क मिलेगी तो भी ठीक है, मगर जो 15-16 दुकानें हैं उनको भी थोड़ा देखा जाए, वो बेचारे लोग कहाँ जाएंगे। पीछे मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है, क्या इससे देवरिया को निजात मिलेगा? हमको नहीं लगता है कि कुछ मिलेगा, हमको लगता है थोड़ा बहुत होगा तो यहाँ से लेकर के ओवरब्रिज तक का ही थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। उधर के लोग तो इधर नहीं आएंगे, हनुमान मंदिर के लोग इधर नहीं आएंगे, उससे क्या फायदा होगा? अगर उधर के लोग अगर पार्किंग कर लेते हैं तब तो कुछ, मान लीजिए यहाँ पे पार्किंग करके भटवलिया नहीं ना जाएगा? नहीं नहीं, भटवलिया आपका सरकारी अस्पताल तो जाएगा नहीं, वहाँ कचहरी तो जाएगा नहीं, जिसको जाना होगा अपना गाड़ी लेकर वहीं जाएगा। इसकी व्यवस्था जो हो रही है कोई पार्किंग की व्यवस्था, यहाँ पुराना बस स्टैंड है, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, पीछे मेरा मकान है, यहाँ जो पार्किंग व्यवस्था हो रही है इससे किसी का लाभ नहीं होना है। इससे जो है और जो है ये व्यवस्था जो है ना, गाड़ी चल रही है आ रही जा रही है और जो है जाम लगेगा। मान लीजिए पार्किंग और दिक्कतें बढ़नी है, इसे लोग पार्किंग करने जाएंगे, अगर जैसे यहाँ पार्किंग अगर हो रही है गाड़ी लगेगी अंदर जाएगी, ये रोड है जो भी हो जितना भी चौड़ा हो बहुत चौड़ा नहीं है, यहाँ पे ये दिक्कतें पैदा करने वाली बात है। जैसे मेरा मालवी रोड था ऊपर भी बन गया, बना किस लिए? इसलिए कि हाँ यहाँ पे जाम नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि अभी हो गया ना वहाँ पे जितना जाम लगता है अभी उतना लगता है ना सर, वहाँ अब मतलब तो हद हो गई है और लग रही है। अगर जाएंगे आप ना घंटों डेढ़ घंटों आपको लग सकता है ओवर ब्रिज पार करने में, जाम एक बार घंटों डेढ़ घंटों में एक बार जाम लग गया एक पुल पार करने में। पुल किस लिए बनता है? कि यहाँ से लेके यहाँ ये जाम खत्म हो जाए, यहाँ पे ट्रैफिक ना बने, लेकिन क्या हुआ वहाँ पे बन रही है, इससे इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पार्किंग बन रही थी, कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है और कोई से लाभ नहीं है। यहाँ का ही लोग जो है कि बड़ा बहुत अगर रिपांस मिलेगा नहीं तो बाहर का लोग थोड़ी यहाँ पर आके जो है कि पार्किंग बनाएंगे। लोगों का कहना है कि जाम से निजात मिलेगा, इससे कोई लिए निजात नहीं मिलेगा। मान लीजिए हनुमान मंदिर का है तो यहाँ लोग थोड़ी पार्किंग बनाएंगे, जो वो बस स्टेशन पर है जो है कि वो सब्जी मंडी में है लोग, वो थोड़ी वहाँ यहाँ गाड़ी खड़ा करेंगे लोग, कोई मतलब नहीं रह गया। ताकि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जनता का क्या राय है इस पार्किंग को लेकर के, कई लोगों का कहना है कि पार्किंग बन रही है तो ठीक है, लेकिन वहीं पर कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर पार्किंग बनने से कोई बहुत लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो भटवलिया के लोग हैं या रुद्रपुर मोड़ से जो भी लोगों को काम होता है वहाँ पे, वो लोग यहाँ पर आके पार्किंग नहीं कर पाएंगे। अभी यहीं जिसको सीसी रोड पे हनुमान मंदिर पे काम होगा, राघवनगर में काम होगा, वो यहाँ पर पार्किंग करने नहीं आएगा, तो एक बार इस पर भी विचार करना चाहिए।